नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल डीप जी के गुरु जी पर। तो दोस्तों, जो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर बोटनी के फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट सेकंड के बारे में। तो इससे पहले हमने आपके ब्रायोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा के जनरल करेक्टर्स और वो जो ब्रायोफाइटा की जो लाइफ साइकिल थी उसके बारे में हमने देख लिया था बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए जो ब्रायोफाइटा के जनरल करेक्टर्स हैं, ब्रायोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल क्या रहने वाली है, वो हमने पिछली वीडियो में बात की थी। और इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आपके ब्रायोफाइटा में जनन, यानी आपके ब्रायोफाइटा में जनन किस प्रकार से होता है। तो ब्रायोफाइटा में आपका जो जनन है वो आपको दो प्रकार से देखने को मिलता है। एक तो होता है आपका इसमें कायिक जनन, और जो नंबर दो पर देखने को मिलता है वो आप देखने को मिलता है आपका लैंगिक जनन, यानी आपके इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो नंबर एक पर बात कर ले हम आपकी ब्रायोफाइटा में कायिक जनन। तो ब्रायोफाइटा में कायिक जनन के आपको अनेक मेथड देखने को मिलेंगे, यानी अनेक प्रकार से कायिक जनन आपको ब्रायोफाइटा में देखने को मिलेगा। कायिक जनन का मतलब क्या होता है आप तो ये बताएं सबसे पहले। तो कायिक जनन का जो मतलब होता है वो होता है कि प्लांट के ही किसी भाग से आप नए प्लांट का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम कायिक जनन कह देते हैं। यानी आपके जो कायिक भाग होते हैं जैसे पत्ती, जड़, तना, मूल, किसी भी भाग से आपके जो कायिक भाग होते हैं उससे आपके दूसरे नए थैलस या दूसरे नए प्लांट का निर्माण हो जाता है, उसे हम आपकी कायिक जनन कह लेते हैं। तो नंबर एक पे जो इसका मेथड है वो आपके बाई विखंडन द्वारा, यानी डिवीजन के द्वारा। ब्रायोफाइटा का जो पादप का थैलस होता है वो वृद्धि के साथ साथ ही जो आपके थैलस के पुराने भाग होते हैं, मतलब जो आपका ब्रायोफाइटा का थैलस होता है वो पहले अपने आकार में वृद्धि करता है। थैलस के जो आकार में धीरे धीरे जो वृद्धि होती है, जो उसके पुराने पार्ट होते हैं वो जो गलकर नष्ट हो जाते हैं, और जो एक गलकर जो नष्ट होते हैं वहाँ पर आपकी एक डेथ लाइन बन जाती है, यानी आपकी मृत्यु लाइन का निर्माण हो जाता है। यानी आपके जो ये थैलस है इसके अंदर, यानी इसके ऊपर के भाग अगर आपके गलकर नष्ट हो गए तो यहाँ पर एक आपको डेथ लाइन देखने को मिलेगी। जब यह मृत्यु लाइन थैलस को दो भागों में विभाजित कर देती है तो प्रत्येक शाखा आगे बढ़कर आपके नए थैलस का निर्माण कर लेती है। इसके जो आपके एग्जाम्पल हैं वो जाएंगे आपके मार्केंसिया, रिक्सिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपके ब्रायोफाइट होते हैं इसमें आपके दो तीन एग्जाम्पल होते हैं। एक तो आपको होता है मार्केंसिया, एक आपका रिक्सिया और एक आपका फ्यूनेरिया, मतलब ये तीनों ही आपके ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल है। तो विखंडन के द्वारा आपके मार्केंसिया और आपके रिक्सिया में आपको विखंडन मेथड के द्वारा ब्रायोफाइटा में कायिक जनन देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। नंबर दो पर हम बात करें तो बाई ट्यूमर, यानी बाई कंद के द्वारा भी आपके ब्रायोफाइटा में आपको जनन, कायिक जनन देखने को मिलता है। तो कंद क्या होता है, जो ब्रायोफाइटा का प्लांट होता है उसके आपको शीर्ष भाग पर आपको एक गोलाकार संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जिसे हम ट्यूमर या कंद कह देते हैं। तो ब्रायोफाइटा पादप के थैलस पर उपस्थित शाखाओं के शीर्ष भाग पर आपको गोलाकार संरचनाएं देखने को मिलेंगी, जिसे हम ट्यूमर कह देते हैं। जो आपका ट्यूमर होता है ये आपका यूनिसेलुलर होता है और इसमें आपकी स्टार्च है जो प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। जो आपका कंद होता है ये ट्यूमर, ये आपका बहुकोशी की संरचना होती है और इसमें आपका जो स्टार्च होता है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अनुकूल परिस्थितियों में जो आपका ट्यूमर या कंद है इसमें जो उपस्थित प्रेजेंट सेल होती हैं ये आपकी अंकुरित होकर नए थैलस का निर्माण कर लेती हैं। तो ये भी आपका जो ट्यूमर होता है ये भी आपके प्लांट का ही भाग है, तो ये भी आपके कायिक जनन के अंदर आ जाएगा। तो नंबर दो पे जो मेथड था वो था बाई ट्यूमर या कंद के द्वारा। नंबर तीन पे जो इसमें मेथड है वो आपके गेमा कैप द्वारा, गेमा कैप द्वारा भी आपके इसमें देखने को कायिक जनन मिलता है। तो थैलस की जो अपाक्ष या ऊपरी सतह होती है उसमें आपकी मध्य सिरा पाई जाती है। इस आपकी जो मध्य सिरा पर आपको एक कैप के समान संरचना जुड़ी हुई रहती है, जिसे हम गैपा कैप कह देते हैं। यह थैलस की आपकी वेंट्रल सतह पर एब्सेंट होती है, जो आपकी वेंट्रल सतह होती है उस पर ये नहीं पाई जाती है। और जो ये आपकी गैमा कैप होती है इस पर आपको अनेक व्रंतनुमय संरचनाएँ देखने को मिलेंगी, जिसे हम गैमी नाम से जानते हैं। और गैमी में भी आपके जो स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, जो आपके अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए थैलस का निर्माण कर लेती है। तो आपकी जो गैमा कैप होती है यह आपके थैलस की अपाक सतह पर आपको देखने को मिलेगी।
और जो ये आपकी गेमी होती है इसमें आपकी अनेक व्रंथनुमा संरचनाएं भी आपको देखने को मिलेगी, और जो आपकी गेमी होती है इसमें आपको स्टार्च की मात्रा भी अधिक देखने को मिलेगी, और ये अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर आपके नए थैलस का निर्माण कर लेती हैं। नंबर चार पर बात करें तो नंबर चार पर जो इसका मेथड है वो आपके अपस्थानिक शाखाओं द्वारा। तो अपस्थानिक शाखाएं क्या होती है, जो आपके ब्रायोफाइटा के पादप के थैलस की निचली सतह पर जो उपस्थित मुख्य सिरा से एक शाखा विकसित हो जाती है जिसे हम अपस्थानिक शाखा कहते हैं। जो आपका ब्रायोफाइटा प्लांट होता है उसके आपको नीचे की ओर जो आपको जो पुरानी शाखाएं होती है उसी में आपकी अपस्थानिक शाखाओं का निर्माण हो जाता है, और यह शाखा है जो आपकी अत्यधिक विकसित होती है। यह अपस्थानिक शाखा है जो आपकी कुछ समय बाद जो आपका मुख्य पादप प्लांट या थैलस होता है उससे यह पृथक हो जाती है और आपके नए थैलस का निर्माण कर लेती है। इसका जो आपका एग्जांपल है वो आपके रिक्शिया हो जाएगा। तो अपस्थानिक शाखा पहले तो नए थैलस से निकलती है और फिर वह कुछ समय बाद जैसे ही उसमें अपस्थानिक शाखा विकसित हो जाती है वह आपके मुख्य थैलस से अलग हो जाती है। नंबर जो इसमें पाँच मेथड है वो आपका नवीनीकरण शाखाओं द्वारा। तो कुछ ब्रायोफाइटा में आपकी एक शाखा अन्य शाखा की तुलना में अधिक मजबूत और विकसित होती है, इस शाखा को अपने नवीकरण शाखा या नवीनीकरण शाखा कहते हैं। यह शाखा भी आपके मुख्य पादप से पृथक होकर नए पादप थैलस का निर्माण कर लेती है, और जो आपका नया पादप थैलस होता है यह आपके नए ब्रायोफाइटा का निर्माण कर लेता है। तो नवीनीकरण शाखाओं द्वारा भी आपके ब्रायोफाइटा में कायिक जनन देखने को मिलता है। नंबर दो, आपके जो ब्रायोफाइटा में जो आपका रेप्रोडक्शन है वो आपके लैंगिक जनन के द्वारा रेप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। जो आपका ब्रायोफाइटा प्लांट होता है ये आपके एक लिंगाशरी या उभय लिंगाशरी देखने को मिलेगा, यानी आपको एक लिंगाशरी यानी ब्रायोफाइटा के एक प्लांट पर आपको यह मादा जननांग देखने को मिलेगा या आपको नर जननांग देखने को मिलेगा। उभय लिंगाशरी यानी आपको दोनों भी एक ही प्लांट पर देखने को मिल सकते हैं, मादा जननांग भी और नर जननांग भी। ब्रायोफाइटा में जो आपका लैंगिक जनन है ये आपके विषम युग्म के प्रकार का होता है, यानी दोनों युग्मक आपके अलग अलग होते हैं। नर जननांग को आपके पूधानी और मादा जननांग को आपको स्त्रीधानी कहते हैं। बात करें पूधानी यानी आपके नर जननांग की, तो नर जननांग आपका एक या बहुकोशी के हो सकता है, दीर्घवृत्ताकार इसकी संरचना देखने को मिलेगी आपकी। और जो आपका स्त्रीधानी होता है ये आपके फ्लास्क के आकार का होता है, अवरंत या सवरंत यानी आपको वरंत रहित भी देखने को मिलेगा और वरंत के साथ भी आपको देखने को मिल सकता है। और जो आपका स्त्रीधानी का जो आधारी भाग या निचला भाग होता है वो आपको फूला हुआ दिखाई देगा, तथा जो इसका ऊपरी भाग होता है ये आपके नलिकाकार होता है जिसे हम गिरवा के नाम से जानते हैं। अब बात करें आपके निषेचन की, तो जो आपका लैंगिक जनन होता है ये आपकी जल की उपस्थिति में होता है, जल के द्वारा। जो आपके पोमणु होते हैं, जो आपके नर जननांग द्वारा पोमणु का निर्माण होता है, ये आपकी रासायनिक अनुचलनी क्रिया के द्वारा तैरते हुए आपकी स्त्रीधानी में प्रवेश कर जाते हैं। जो आपके पोमणु होते हैं ये आपके रासायनिक अनुचलनी क्रिया के द्वारा तैरते हुए आपकी स्त्रीधानी के पास पहुँचते हैं और उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। एक पोमणु आपका अंड से संयुक्त होकर युग्मनज का निर्माण कर लेता है, और युग्मनज के निर्माण के पश्चात आपके नए ब्रायोफाइटा का निर्माण हो जाता है। तो ये थे आपके ब्रायोफाइटा के अंदर जनन। तो जनन हमने दो प्रकार से पढ़ा था, आपका कायिक जनन और आपका लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में आपको विषम युग्मक के युग्मक देखने को मिलेंगे, नर जननांग और मादा जननांग। और कायिक जनन के हमने पांच मेथड पढ़े थे। नंबर एक पर हमने पढ़ा था विखंडन द्वारा, नंबर दो पर हमने पढ़ा था बाई ट्यूमर या कंद के द्वारा, नंबर तीन पर पढ़ा था हमने गैमा कैप के द्वारा, और नंबर चार पर हमने पढ़ा था अपस्थानिक शाखाओं द्वारा, और नंबर पाँच पर पढ़ा था हमने नवनीकरण शाखाओं द्वारा। तो ये आपके ब्रायोफाइटा के अंदर जनन था। बात कर लें ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व के बारे में, तो ब्रायोफाइटा का जो आर्थिक महत्व यानी आपका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या क्या रहने वाले हैं। तो औषधि उपयोग में, तो ब्रायोफाइटा का उपयोग हम औषधि बनाने के निर्माण में भी करते हैं, जैसे आपके जो मार्केंस या पोलीमार्फा होता है उसका उपयोग हम क्षय रोग यानी आपके टीबी के उपचार में भी किया जाता है। तो आप एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे कि मार्केंस या पोलीमोर्फा का उपयोग हम क्षय रोग या टीबी रोग में करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एग्जाम टाइम में एग्जाम्पल याद नहीं आ रहे हैं तो आप मार्केंस या रिक्सिया और आपके जो फ्यूनेरिया होते हैं ये तीन तो याद रखनी है आपको। अगर मान लो कि आप भूल जाते तो आप मार्केंसिया लिख सकते हैं कि मार्केंसिया का उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है। नंबर दो पर बात करें हम आपके जो मार्केंसिया स्टिलाटा होता है उसका उपयोग हम ट्यूमर जो गांठे बन जाती है उसके इलाज में हम मार्केंसिया स्टिलाटा का उपयोग किया जाता है। और जो रिक्सिया का उपयोग होता है ये आपके रिंग वर्म जो आपके दांत खाज खुजली हो जाते हैं उस आदि रोगों में रिक्सिया का उपयोग किया जाता है। और जो आपका मियन ब्रायन होता है उसका उपयोग आपके घाव भरने में किया जाता है।
नंबर दो पर बात करें हम आपके प्रति जैविक उपयोगिता भी ब्रायोफाइटा की देखने को मिलती है। इसके आपके एग्जांपल हो जाएंगे रिबोलिया, पेलीजियोचला और आपके कोनिसेफेलम कोनिकम होता है उसका उपयोग भी हम प्रति जैविक उपयोगिता के रूप में करते हैं। भोजन के रूप में भी हम ब्रायोफाइटा का उपयोग करते हैं, लेकिन भोजन के रूप में सिर्फ इनका उपयोग जंतुओं के द्वारा ही किया जाता है या जंतुओं के लिए किया जाता है, मानव इनका उपयोग भोजन में नहीं करता है। नंबर चार पर है वातावरण सूचक के रूप में भी हम ब्रायोफाइटा का उपयोग कर लेते हैं। ईंधन के रूप में तो हम ब्रायोफाइटा का उपयोग करते हैं। और जो आपके हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान होते हैं, जैसे मतलब जो गार्डनिंग वगैरह जो सजावट वगैरह के लिए पौधे बनाए जाते हैं, उसमें भी हम ब्रायोफाइटा के पादप लगा सकते हैं। और जो आपका मृदा अपरदन होता है, यानी आपके जो पानी के कारण मृदा का कटाव हो जाता है, वहाँ पर भी हम ब्रायोफाइटा के प्लांट या थैलस प्लांट लगाकर हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो ये था आपका ब्रायोफाइटा के इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। और आगे आने वाली वीडियो में आपके मार्केंस या जो आपके ब्रायोफाइटा का ही एग्जाम्पल है उसके बारे में देख के चलेंगे बहुत ही शानदार तरीके से।